आज का ये वीडियो सेशन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अभी नए नए प्यार की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं, उन लोगों के लिए, और जो लोग सच्चा प्रेम करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। और जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो लोग इस वीडियो को यहीं पर क्विट कर सकते हैं। गंगा मैया का नाम सुना? जी हाँ, गंगा नदी। वो पहले बहुत पवित्र हुआ करते थे, लेकिन इस दुनिया के कुछ बूढ़े लोगों के बूढ़े कारनामे के चलते आज वो दूषित हो चुकी है। ठीक वैसे ही प्रेम पहले बहुत पवित्र हुआ करते थे, लेकिन आज वो दूषित हो चुकी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ये लव पॉल्यूशन, अब आप इसे लव पॉल्यूशन कहे या प्रेम दूषण या प्रेम पॉल्यूशन, मुझे कुछ नहीं, आप इसे कुछ भी कह सकते। लेकिन ये कुछ बुरे लोगों के कारण नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारे दुनिया के कुछ नासमझ लोगों के चलते। नासमझ लोग? जी हाँ, नासमझ लोग। पहले तो आपको इस गलतफहमी से बाहर निकलना पड़ेगा कि प्यार करने के लिए कोई समझ की जरूरत है ही नहीं। प्यार करने के लिए इतनी समझ की जरूरत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसका कोई हद नहीं हो सकता। और बिना सोचे समझे जो प्यार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, जिन लोगों के चलते आज हमारा प्रेम दूषित हो चुकी है। जी हाँ, प्रेम पॉल्यूशन हो रहा है। प्रेम को समझो, इसकी डेप्थ तक पहुंचो। अब जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हैं या पीसी में देख रहे हैं, क्या आप इसको प्यार करते हैं? जी हाँ, जरूर करते हैं। लेकिन ये मोबाइल, ये पीसी, क्या आपसे प्यार करते हैं? नहीं, कैसे प्यार करेंगे? ये तो इंसान है ही नहीं, तो कोई जान है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप इससे प्यार करते हैं। आपका कोई भी पसंदीदा चीज, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कुछ भी, आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वो क्या आपसे प्रेम करते हैं? नहीं। अब पकड़ लो कि कहीं चलते चलते आप किसी से मिले, आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, आप उसको देखना चाहते हैं, वो भी आपको देखना चाहते हैं, उसको भी आपको देखना पसंद है, आपको भी उसको देखना पसंद है। उस वक्त आप उसको देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहा है। कितना खुशी होगा तब। ये क्या प्यार नहीं है? ये प्यार है, ये टू साइडेड प्यार है। लेकिन मेरे मानो तो इस रियलिटी के चलते, इस रियलिटी की दुनिया में टू साइडेड लव है ही नहीं, सब वन साइडेड लव। क्या क्या हुआ, चौंक गए? चौंकने की कोई बात नहीं, ये सच है, ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को आपको मानना पड़ेगा। कैसे, वही तो आज बताने वाला, देखते रहिए। जो पहले बोला कि ये मोबाइल है, तब ये वन साइडेड लव था। इस मोबाइल के एग्जांपल में ये वन साइडेड लव था। जब मैं बोला कि आप किससे मिले, देख रहे थे, वो टू साइडेड लव था। लेकिन वो कितने देर तक रहेगा? टू साइडेड लव पॉसिबल है कब? सिर्फ थोड़ा वक्त के लिए, है ना? तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जितने भी लव है, सब वन साइडेड। आप फॉरेन में चले जाओ ना, देखो वहां पे हर घर में कुत्ते बिल्ली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वेट करना नहीं पड़ेगा कि कुत्ता कब मेरे प्यार में आएगा, कब हाँ बोलेगा, कब मेरे जोन में आएगा। कुत्ता हमेशा अपने जोन में रहता है। गुस्सा हो गए आप, फेंक दो बाहर, किक मार दिया, लात मार दिया, खिड़की से सीधा बाहर, वो फिर से आ जाएगा आपके पास, या आप खुद जाके उठा के लाओ, वो फिर से आपके पास रहने लग जाएगा, वो फिर से आपको प्यार करने लग जाएगा। तो ये क्या है, वन साइडेड लव नहीं तो और क्या? ये वन साइडेड लव जो है ना, ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इसमें आपका प्यार को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर रहा, इसका रिमोट कंट्रोल पूरा का पूरा आपके हाथ में है।
और रिश्तों की तरह ये प्यार दूसरों में बांटता नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, आपका। तो जिसके लिए भी आपके मन में कुछ कुछ हो रहा है, होने दीजिए ना, बताइए मत, इजहार मत कीजिए। इजहार कर दिया तो प्यार करने का मजा ही कहा। हाँ भाई, सब बोलते हैं इजहार कर दो, इजहार कर देना चाहिए, मन की बात मन में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। लेकिन मेरे मानो तो बोलेंगे तो सबकी तरह हो जाएंगे, कुछ स्पेशल कहा होंगे। अगर बोल देंगे, अगर इजहार कर देंगे तो सबकी तरह नहीं हो जाएंगे, सबकी तरह ही होएंगे। तो इसमें स्पेशल कहा, स्पेशलिटी तो नहीं है। अब कुछ स्पेशल करना है को बताना नहीं। अगर आप उसको सच में प्रेम करते हो, अगर आप उसको सच में चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारा प्यार तो तुम्हारे आंखों में छलकेगा और उसको पता चल ही जाएगा। अगर उसको पता चलना होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर आप बताओगे, फिर भी वो आपको नहीं लगेगा। तो जब तक वो आपके प्यार में नहीं आता, आपके जोन में नहीं आता, तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहिए। प्यार का पहला रोल ही तो ये है ना, निस्वार्थ, निस्वार्थ होके प्रेम करते रहिए। अगर आपका निस्वार्थ प्रेम देख के उसको भी प्रेम आ गया तो लाइफ जिंगा लाला।